तेरे पंख हैं इनको फड़फड़ाए जा, कि ये तेरे पंख हैं इनको फड़फड़ाए जा, तू छोटा ही सही पर सपना तो सजाए जा, निकल ही पड़ा है तो अब कदम मत गिन, निकल ही पड़ा है तो अब कदम मत गिन, बस तू अनगिनत कदम बढ़ाए जा, मसाल तेरी बुझे नहीं किसी भी तूफान से, मसाल तेरी बुझे नहीं किसी भी तूफान से, हारने लगे तो हार जाना लेकिन वो भी शान से, लड़ना तू ईमान से और पूरी जान से। बूम। डज नॉट मैटर व्हाट इज योर ड्रीम, इट डज नॉट मैटर व्हाट इज योर डिफिकल्टीज, इट मैटर कि आपके बाप के खाते में आज कितने रुपए पड़े हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, आप लंबे हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो, या आपकी आंखें बड़ी हैं, छोटी हैं, बाल सफ़ेद हैं, काली हैं, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर हाउ बैड यू फील, इट डज नॉट मैटर हाउ लोनली यू आर, बिकॉज अ लायन इज नेवर अलोन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कितना खो चुके हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप क्रेडिट कार्ड से काम चला रहे हो या फिर चिल्लर से। इफ यू थिंक दैट यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर यू हैव नॉट लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। जब आप सब कुछ खो देते हैं तो आपके पास केवल एक ही चीज़ बचती है, वह है मौका, एक मौका उन सब खोई हुई चीज़ों को वापस हासिल करने का। एंड इफ यू थिंक दैट यू डिजर्व दोज थिंग्स, यू मस्ट हैव टू प्रूव योर कैपेबिलिटीज। ज़िंदगी का मतलब है गलत चीज़ों को छोड़कर सही चीज़ों को अपनाना। इफ़ यू आर लुकिंग अपॉर्चुनिटी देन दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं रही है। अगर आपको लगता है आपकी छत से पानी टपक रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद की छत नसीब भी नहीं है। अगर आपको लगता है आपके जूते ब्रांडेड नहीं हैं तो कुछ लोग आसपास ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जिनके पास खुद के खरीदे हुए जूते भी नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कार नहीं है तो ढूंढना, आपके शहर में कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैर भी नहीं है। ज़िंदगी में मुश्किलों का रोना रोने वाले कभी अपने से ज़्यादा मुश्किल वाले इंसानों को भी देखना। जितना स्ट्रगल आप अपने सपनों को पाने के लिए कर रहे होते हो ना, उससे कई ज़्यादा स्ट्रगल वो केवल अपना पेट भरने के लिए कर रहे होते हैं। लाइफ इज़ नेवर बीन ईजी फॉर एनी वन, लाइफ इज़ हार्ड, बट वाई डोंट यू अग्री दैट यू आर हार्डर देन लाइफ। आप अपनी मुश्किलों से बड़े हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है जो इस दुनिया में आपको अपनी मुश्किलों पर विजय दिला सकता है। लोग ब्लेम करते हैं कि उनकी असफलता का कारण ये दुनिया है, ये गरीबी है, पुअर एजुकेशन है, उनकी किस्मत ख़राब है, लेकिन ये स्वीकार करने की हिम्मत बहुत काम की है कि उनके बुरे हालातों के ज़िम्मेदार वो खुद हैं, वो खुद ही अपनी आशा हैं और वो खुद ही अपनी रुकावट हैं। अपने पंखों को फैलाकर तो उड़ना तो सीख, ये ज़माना तेरे नीचे ना हो तो कहना, तेरे पंख हैं तेरे हौसले जो तुझे देंगे एक ऊँची उड़ान और एक लंबी उड़ान, और तेरे अंदर की आग है तेरा ईंधन जो ले जाएगा तुझे दूर तक। आप एक गाड़ी में जा रहे हो और आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी कहाँ रुकने वाली है, लेकिन आपको अगर इतना पता है कि उस गाड़ी के चालक आप हो और आप खुद चला रहे हो, तो उस गाड़ी को तो फिर आपके लिए उस रास्ते पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और उस गाड़ी का नाम है ज़िंदगी, जिसके ड्राइवर आप हो, खुद आप। आप जैसा चाहो अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, और इसके लिए किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी का फेवर नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए आपको किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल आप खुद बने हो, केवल आप हो जो आपकी ज़िंदगी को 100% बदल सकते हो। यू आर ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर देन अदर्स। लुक इनसाइड यू, अपने अंदर झांकिए और भीड़ चाल से बाहर निकलने की ज़रा हिम्मत तो कीजिए, फिर देखते हैं कौन सा सपना है और कैसे पूरा नहीं होगा। हाँ, मैं दूसरों से अलग बन कर दिखाऊंगा, मैं ही अपने कर्मों का, अपने शरीर का और अपने सपनों का इकलौता मालिक हूँ। मैं अपने हालातों का और अपनी असफलताओं का कारण हूँ। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये सपनों का गाड़ी, सपनों का बंगला तो बहुत छोटा है, और जिसकी उड़ान सितारों तक है ना, उसके लिए पहाड़ पर चढ़ना तो मामूली सी बात है। ध्यान दीजिएगा, ये तेरे पंख हैं इनको फड़फड़ाए जा, कि ये तेरे पंख हैं इनको फड़फड़ाए जा, तू छोटा ही सही पर सपना तो सजाए जा, निकल ही पड़ा है तो अब कदम मत गिन, निकल ही पड़ा है तो अब कदम मत गिन, बस तू अनगिनत कदम बढ़ाए जा,
मसाल तेरी बुझे नहीं किसी भी तूफान से, मसाल तेरी बुझे नहीं किसी भी तूफान से, हारने लगे तो हार जाना लेकिन वो भी शान से, लड़ना तू ईमान से और पूरी जान से। बूम, आप ही अपने सभी दुखों का और खुशियों का कारण हैं। इस पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है तो वो आपके अलावा और कोई नहीं है। कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि आपका प्रयास बेकार जा रहा है, लेकिन गौर से देखोगे तो पाओगे कि आपका कोई भी प्रयास बेकार नहीं है। अगर आपको उस प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो अनुभव ज़रूर मिलता है दोस्त, और वही अनुभव आपको अगले प्रयास में सफल बना सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं रही है। ज़िंदगी तभी आसान नज़र आती है जब आप खुद अंदर से मजबूत रहते हैं। अगर आपको मरने के बाद भी अमर रहना है तो आपको जीते जी कई चीज़ें कुर्बान करनी पड़ेगी, और मेरा यकीन मानिए उन चीज़ों और आदतों को छोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। अधिकतर लोगों की असफलताओं का कारण यही है कि वो अपने छोटे छोटे सुखों में अटक कर रह जाते हैं, परंतु अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको छोटे छोटे सुखों को छोड़ना ही पड़ेगा और बड़े लक्ष्य के लिए कठिन रास्तों से गुजरना ही पड़ेगा। मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो लगातार मेहनत करना सीखना ही पड़ेगा। धैर्य रखिए और अपना काम करते जाइए, एक दिन उस सफलता पर भी आपका ही नाम होगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।